बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम मौजूद हैं गुज्जो में, जो कि ठट्ठा से 14 किलोमीटर पहले है, और हम दो नहरों को हम रिव्यू करने आए हैं यहाँ पे। ये कैंचर झील से दो नहरें आ रही हैं जो कराची को पानी जा रहा है। तो मज़ीद में इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ के रहायशियों से बात करके पूछ लेते हैं कि पानी ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, अपना नाम बता दें सबसे पहले। भाई मेरा नाम है मकबूल। ठीक है मकबूल भाई, अच्छा इन दोनों नहरों के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि इसके बारे में क्या, इनकी तारीख क्या है, इसकी और ये कब बनी है ये, या ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसके अलावा कराची के अलावा कहाँ कहाँ जा रहा है? यही पता है, कराची और शहर पूरे को पानी मिल रहा है, गारों को मिल रहा है, गगर को मिल रहा है, धाबेजी को मिल रहा है। वैसे ये पूरा पानी है कराची जाने वाला, आ रहा है किंजर झील से। ठीक है, मैं अभी तक गुज्जो शहर में खड़ा हूँ, ये नहर गुज्जो से जा रही है। मेरे पैदाइश से पहले ये नहर बनी हुई है, मेरे पैदाइश के बाद वो नहर बनी है, वो मैंने अपने आँखों से हाथ से देखी है, अपने आँखों से देखी है, हाथ से बनाई है, वो वाली छोटी सी नहर चल रही है। अच्छा जी हाँ। अच्छी, दो दो अलग अलग साइड पे जा रही हैं, एक ये जा रही है और एक इसके बराबर में एक जी हाँ, एक वो वाली है, एक ये वाली है, ये वाली है बड़ी नहर, ये मेरे पैदाइश से पहले है। अच्छा, ये इसके बाद ये बनी है, इसके बाद ये वाली छोटी है जो वो। इसकी गहराई क्या होगी? जैसे कि 25 फुट गहराई है इसकी, 25 फुट इसकी गहराई है, 25 फुट गहराई। तो ये तो लोग ऐसे नहा रहे हैं जैसे कि इनके सामने कोई गहराई है नहीं, गहराई है, इसको तैरना आता है वो नहा रहे हैं, अगर जिसको तैरना नहीं है तो वो तो डूब जाते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, 14 किलोमीटर दूर है ठट्ठा आगे, और गारो कैंचर झील के बारे में, कैंचर झील के बारे में कहें तो वो ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ जी हाँ, वो तो उसमें ये बारिश का पानी है, अभी तो वो बहुत फुल है, उसमें बहुत बड़ा पानी आ गए। अच्छा जी हाँ। तो यहाँ पानी इतना लग तो नहीं रहा, कितना पानी नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे? नॉर्मल चल रहा है, तो इसलिए आगे पानी नहर नहीं उठा रही है, इसलिए उसने पानी कम कर दिया है, अगर ये पानी ज़्यादा छोड़ते हैं तो पीछे से नहर टूट जाएगी। अच्छा, इसलिए इसे आगे पानी रोक दिया है। अच्छा चलें इस नहर की तरफ चलते हैं, आइए। अच्छा नासिन, ये देखिए ये दूसरी नहर है इसके साथ ही, जो कि ये भी कराची भी जा रही है। तो अमूमन जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इस नहर के दोनों नहरों की तरफ हम पहले होके जाते हैं, उसके बाद हम ठट्ठा की तरफ जाते हैं जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। तो मजीद बताइए इसके बारे में। ये नहर मेरे सामने बनी हुई है, जब तक मैं होश में था उसी टाइम में ये नहर बनी हुई है, अभी तक चल रही है माशाल्लाह, इसमें बड़ा सा पानी जा रहा है, कराची वाला यही पानी पी रहे हैं आगे, मतलब पीने के लिए इस्तेमाल भी यही हो जी हाँ, कराची पीने का पानी भी यही है। अच्छा ठीक है। अच्छा इस इलाके के बारे में कुछ और बताएं, किसी के मसाइल के बारे में कुछ बताएं? यार इसी का मसाला, इसी इलाके के अंदर बहुत सारे हैं, इसमें रास्ता नहीं है, बारिश पड़ती है बड़ा सा पानी हो जाते हैं, गांव वाला डूब रहे हैं, अभी तक गाँव में पानी खड़े हैं, बंदा सारा निकल गया, अभी पहाड़ी के इलाके में बैठा हुआ है, जिसकी ज़मीन यहाँ पे है, कारोबार यहाँ पे है, वो सब छोड़ के चला गया पहाड़ी पे, क्या करे, पानी बड़ा है, बैठने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं, खाने की जगह ना ही, कोई रास्ता आने जाने का लिए, बस हमारा यहाँ पे जो MP है, MN है, वो किसी का भी नहीं सुन रहे हैं, बस ऐसे हुए सो रहे हैं बस। अच्छा मतलब MP है वो, MN वगैरह कोई भी यहाँ पे कोई भी नहीं आया, किसी ने कुछ किसी को नहीं दिया, बस ऐसे ही बंदे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई कोई कहाँ पे चले गए, मजदूरी नहीं है, बेरोजगार बंदे हैं, ये देखो कितना सारा, मतलब कोई मजदूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं है, फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, जो बंदा कोई मजदूरी करे या बच्चों का कोई राशन ले, स्कूल कॉलेज वगैरह, स्कूल कॉलेज छोटा सा स्कूल है एक दो बस, और कुछ नहीं है, ऐसे बस बाहर बंदे अल्लाह अल्लाह है और कुछ नहीं है। अच्छा जी हाँ। बाकी यहाँ पे मार्केट वगैरह कुछ सही है, मतलब मार्केट है? मार्केट तो अच्छा है, बाजार में मार्केट पूरी चल रही है, पर मार्केट ऊपर चल रही है, टमाटर का रेट देखो, हर चीज़ का रेट, दो गरीब बंदा कहाँ से लाए, मजदूरी नहीं है तो बच्चे का गुजर कैसे करे, परेशान है बस बंदे। चले सर, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि ये जो दो नहर है, ये कराची को, धाबेजी और दूसरी जो भी इलाके हैं उनको ये पानी मुहैया हो रहा है। तो इसके साथ ही यहाँ के रहायशी कह रहे हैं कि इसके साथ ही एक छोटी सी एक और नहर है, जो कि इन बासियों के लिए, यहाँ के शहरियों के लिए, जो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए पानी है। तो उस पानी को भी हम जाके देखते हैं वो कैसे पानी वो। नाजिन ये पानी इस दो नहरों के साथ ही एक और नहर है ये। अच्छा लोग ये पानी पीने पे मजबूर हैं, चूँकि वो कराची वाले को पानी जा रहा है, तो लोग वो दूर थोड़े लग रहे हैं इनको, लिहाजा वो बोलते हैं कि हमें यही पानी हम लोग भर लेते हैं पीने के लिए बीमारी। तो ये पानी पीने से लोग बीमारियाँ हो रही हैं, इसके बारे में मकबूल पर बताएं क्या है? भाई ये पानी बंदा पी रहे हैं, इसी पानी के अंदर इतनी सारी मिट्टी आ रही है, बंदा जो भी पी रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर पानी में हैं, पानी की पोल्यूशन देखो, वो जो कराची पानी जा रहे हैं वो साफ़ सुथरा पानी उसको दे रहे हैं, हम बाराड़ी के बंदे जो हैं उसको पानी ये मिल रहा है पीने के लिए, उसी पानी की पोल्यूशन आप खुद भी देख सकते हैं क्या पोल्यूशन है इसकी पानी की, जो बंदा पी रहे हैं मजबूर हैं, बीमारियाँ इसके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ के अंदर बंदे पड़े हुए हैं, यही पानी पी रहे हैं,
क्योंकि हमारे जो वाटर सप्लाई है वो इसी पानी के, शहर की वाटर सप्लाई वो भी इसी पानी के ऊपर लगी हुई है। और ये नया टेंडर पास हुआ है अली मोहम्मद कातियार गोठ की वाटर सप्लाई लग रही है, ये जिसका दीवार बनी है इसके ऊपर कमरा लगेगा, कमरा बनेगा, मशीन लगेगी, यही पानी उसी के पास भी जाएगा। फिल्टर नहीं, ऐसे ही एसी लेन जाएगी पानी के दायरे के लिए, बस मशीन उठाएगी, वो उठा के वहाँ पे तालाब में पहुँचाएगी, तालाब से वहाँ भरेंगे, वो पियेंगे, यही पानी पी रहे हैं बंदे। इसकी ओपनिंग इसकी कब हुई थी? इसके तकरीबन 1.5 महीना हो गया, इसकी मरम्मत हुई है, काम ये स्टार्ट किया, अभी तक शुरू नहीं है। 1.5 महीने में आगे मस्जिद काम बढ़ा ही नहीं, आगे नहीं काम बढ़ा है, बस इधर ही काम करके छोड़ दिया है। अच्छा, हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ ऐसी यहाँ की रहायशियों के लिए थोड़ा साफ पानी का अरेंज किया जाए, इसके लिए और फिल्ट्रेशन का कुछ अरेंजमेंट किया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।